हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हूँ आपको अपना अमर भारद्वाज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2024 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड हंटर 350 सेकेंड टॉप मॉडल डैपर ग्रे कलर। ये जो कलर है दोस्तों, अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा सेल होने वाला कलर है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बाइक की 2024 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है, बाइक आपको कितने का माइलेज निकाल कर देते हैं, क्या कुछ फीचर्स आपको सेकंड टॉप मॉडल के अंदर मिल जाते हैं, उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की। तो 2,10,000 रुपये की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। इसके अंदर आपको ड्यूएल चैनल ABS भी मिल जाता है। दोस्तों अगर आपका बजट कम है ना, आप लो बजट के अंदर 350 cc की बाइक ढूंढ रहे हो, तो बाइक आपके लिए एक नंबर ऑप्शन होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको नॉर्मल से मिरर देखने को मिलते हैं ब्लैक कलर फिनिशिंग के साथ में कुछ इस तरीके के। एंड इस बाइक के अंदर आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है। की के ऊपर आपको आरी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। चलिए करते हैं इसके इग्निशन को ऑन। जैसे ही आप इसके इग्निशन को ऑन करते हो तो इसके फ्रंट में आपको जो पार्किंग लाइट देखने को मिलती है, लाइटें ऑन हो जाती है। इंजन स्टार्ट होते हैं इस बाइक की जो बड़ी हैलोजन हेडलाइट है ये ऑन हो जाती है। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। हजार्ड का ऑप्शन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक के चारों इंडिकेटर को एक साथ ऑन कर सकते हो। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। 41mm फोर्क 130mm ट्रेवल सस्पेंशन के ऊपर आपको रबड़ देखने को मिल जाती है। इसके फ्रंट में आपको फाइबर बॉडी पार्ट के साथ में फेंडर मिल जाते हैं। सस्पेंशन के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसके फ्रंट में आपको 300mm की डिस्क मिल जाती है। अलॉय व्हील एंड ट्यूबलेस टायर के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। इसके अलॉय के ऊपर आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है स्टिकर के फॉर्म में। इसके फ्रंट में आपको 110/70/17 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल की। तो इसके टैंक के ऊपर आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलने वाली है कुछ इस तरीके की। इस बाइक के अंदर आपको 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। E20 का भी अपडेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। आने वाले टाइम में आप इस बाइक को इथेनॉल पेट्रोल से भी चला सकते हो, तो एक बड़े अपडेट के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। दोस्तों इसके अंदर आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके की प्रोफाइल मिलती है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, लो फील वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, चेक इंजन लाइट, लो बैटरी वार्निंग, ABS लाइट, लो फील वार्निंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाता है। साइड में आपको आई बटन मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक के ट्रिप रन, ट्रिप टू एंड डिजिटल क्लॉक को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस बाइक के अंदर आपको सिंगल हॉर्न 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसके अंदर आपको 350 cc का एयर ऑयल कूल इंजन मिल जाता है, जो 20.21 bhp की पावर जनरेट करता है, 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के माइलेज की बात करूँ तो बाइक आपको 35 से 40 km तक का माइलेज निकाल कर देती है। इस बाइक के अंदर आपको 181 kg का कर्बेट मिल जाता है, तो काफ़ी लाइट वेट आपको ये बाइक मिल जाती है। इस बाइक के अंदर आपको 5-speed गेयरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं। किक का ऑप्शन आपको इस बाइक के अंदर नहीं मिलता है। 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। एंड साइड में आपको रॉयल इनफील्ड हंटर 350 की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिल जाती है कुछ इस तरीके की। एंड इस बाइक के अंदर आपको क्रोम का यूजेस देखने को नहीं मिलता। सिंगल सीट ऑप्शन के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूँ तो 790mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। दोस्तों अगर आपके 5'6" है, 5'5" है, तो भी आप इस बाइक को इजीली राइड कर सकते हो। आपको इस बाइक को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, तो शॉर्ट राइडर के लिए बाइक एक नंबर ऑप्शन हो जाती है। इसके रियर में आपको पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाता है। रियर में आपको 6-step एडजस्टेबल प्री लोडेड सस्पेंशन मिल जाता है। इसके रियर में आपको 270mm की डिस्क मिल जाती है। इसके रियर में भी आपको ABS मिल जाता है। इसके रियर में आपको 140/70/17 inch के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। अलॉय के ऊपर आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है। चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको इसकी बैक प्रोफाइल दिखा देता हूँ। इसके बैक में आपको 2-piece ग्रेविल मिल जाते हैं। गोल सी LED टेल लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट माउंटेन रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके की स्पोर्टी प्रोफाइल आपको इस बाइक की रियर से मिल जाती है। दोस्तों ये था 2024 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड हंटर 350 डैपर ग्रे कलर का एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहे।